आखिर कैसे लंबे समय तक सिगरेट पीने से ग्रेजुअली इंसान की मौत तक हो जाती है। 3D एनिमेशन की मदद से चलो इस बात के पीछे की साइंस को समझते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। इस बेस्ट रिलेटेड 3D एनिमेशन कोर्स के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर एकदम बेसिक से शुरुआत करूं तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है ये टोबैको प्लांट। इसी टोबैको प्लांट को सुखा के, सड़ा के और गला के किसी रोलिंग पेपर में डाल दिया जाए तो ये तैयार हो गया सिगरेट का आगे वाला पार्ट। सबसे पहले जैसे ही आपने सिगरेट को बर्न किया तो टोबैको के जलने से धुआं निकला। इस सिगरेट स्मोक को आपने इनहेल तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4000 से भी ज्यादा हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स इस स्मोक के अंदर कंटेन्ड हैं। बैड न्यूज ये है कि सिगरेट का ये ब्राउन कलर का पीछे वाला पार्ट, जिसे सिगरेट बट या सिगरेट फिल्टर बोला जाता है, ये बस नाम का ही फिल्टर है। मेनली इसका काम है टोबैको के उस पार्ट को रोकना जो पूरी तरह से ना जल पाया हो, जिसे दूसरे शब्दों में टार भी बोल दिया जाता है। लेकिन इस फिल्टर के होने के बावजूद भी कुछ टार आपकी बॉडी में एंटर कर ही जाता है। फाइनली सिगरेट स्मोक इनहेल करने की वजह से 4000 से ज्यादा हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स आपके विंड पाइप में एंटर कर चुके हैं। ये केमिकल्स आपके शरीर को एग्जैक्टली कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, आगे बढ़ के ये समझने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए इस स्टोरी को रोक देते हैं और एक नई स्टोरी की हेल्प से सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपने सिगरेट स्मोक की जगह फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल की होती तो क्या होता। देखो, आपने ऑक्सीजन इनहेल की, वो आपके विंड पाइप में पहुंच गई। ये दोनों हमारे लंग्स हैं और लंग्स तक पहुंचते पहुंचते आगे बढ़ के ये विंड पाइप इन दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जिन्हें ब्रोंकाई बोला जाता है, और ये ब्रोंकाई इन बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। फर्दर इन ब्रोंकियोल्स के भी एंड में है ये एल्वियोलाई। अब ध्यान से समझना, ये सिलेंड्रिकल पाइप्स जो आप देख रहे हो, ये ब्लड स्ट्रीम है। खास बात ये है कि ये ब्लड स्ट्रीम इस एल्वियोलाई से अटैच्ड है और इस एल्वियोलाई की बाउंड्री इतनी ज्यादा पतली होती है कि इस जंक्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई में आके शरीर से बाहर जा सकती है, और जो ऑक्सीजन जस्ट अभी हमने सांस के द्वारा इनहेल की थी वो एल्वियोलाई से इस ब्लड स्ट्रीम में आ सकती है। इस ब्लड स्ट्रीम में ये जो रेड कलर के शेप्स आप देख रहे हो, ये हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं। इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में आके इस हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, और फर्दर जैसे जैसे ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होगा, इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में सर्कुलेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, लंग्स से ऑक्सीजन निकली और पैरों में चली गई, हाथों में चली गई, ब्रेन में चली गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम वापस अपनी सिगरेट वाली स्टोरी पे आ जाते हैं। ये जो 4000 प्लस हार्मफुल केमिकल्स आपने इनहेल किए, वो भी विंड पाइप से ब्रोंकाई में आए, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में आए, ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई में आए, और यहाँ से सारी प्रॉब्लम्स शुरू। इन 4000 प्लस हार्मफुल केमिकल्स और गैसेस में से मोस्ट डेंजरस हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। यूजुअली ये ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम के साथ पूरे शरीर में चली जाती है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हरामी गैस है। ये ऑक्सीजन को लात मार के बाहर कर देगी और खुद जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी। सिमिलरली ये निकोटीन भी इस ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और इस बार आपके लंग्स में, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन ट्रेवल करेंगे। ये एक मेजर रीजन है कि कंटिन्यूस सिगरेट स्मोकिंग से सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अभी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिगरेट पीने से इस पूरे प्रोसेस में ऐसा क्या था जो स्मोकिंग को हाईली एडिक्टिव बनाता है। देखो, सिगरेट पीने के 7 से 10 सेकंड के अंदर ये निकोटीन ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। आपके ब्रेन में ये रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें निकोटीनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर बोला जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि ये निकोटीन हेरोइन और कोकिन के बाद दुनिया का थर्ड मोस्ट एडिक्टिव केमिकल है, यानी कि एक्सट्रीमली डेंजरस। जैसे ही ये निकोटीन इस रिसेप्टर से कनेक्ट होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही ये रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, जैसे डोपामिन, एड्रेनालिन और सेरोटोनिन। ये हार्मोन्स आपकी हार्ट बीट इंक्रीज करके आपको फ्रेश फील करवाएंगे, आपको ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा अटेंटिव फील करवाएंगे। टेम्परेरीली आपका कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर परफॉर्म करेगा और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपका स्ट्रेस दूर होगा। अल्टीमेटली जिससे आपको हैप्पीनेस फील होगी और लगेगा कि आप सातवें आसमान पर हो। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ये पता चले कि ये निकोटीन जो आपको सारी गुड फीलिंग्स और प्लेजर दे रहा था, वो आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे रुकेगा। उसके बाद ब्रेकडाउन होकर लीवर में चला जाएगा और फर्दर मूत्र विसर्जन के द्वारा शरीर से बाहर चला जाएगा। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जिंदगी में सिर्फ एक सिगरेट पीने से आपकी बॉडी पर कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा,
लेकिन इतिहास गवाह है कि 99.9% केसेस में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने सिर्फ एक बार स्मोकिंग करके छोड़ दी हो। जैसे ही निकोटीन शरीर से बाहर निकला, फिर से क्रेविंग शुरू, आप फिर से सिगरेट पियोगे। अगेन निकोटीन आपके ब्रेन में पहुंच के फील गुड हार्मोन्स रिलीज करके आपको सातवें आसमान पे बिठा देगा और 2 घंटे बाद शरीर छोड़ देगा। निकोटीन की वजह से सिगरेट पीने की ये साइकिल या चेन चलती रहेगी और ऐसे लोग जो एक के बाद एक चेन बना के दिन में 100 सिगरेट्स तक पी जाते हैं, उन्हें ही तो चेन स्मोकर्स बोल दिया जाता है। लेकिन एक एवरेज स्मोकर एक दिन में 10 से 15 सिगरेट्स तो निपटा ही देता है। सिगरेट स्मोकिंग की एनाटॉमी को समझने के बाद अब बारी है ये समझने की कि आखिर कैसे लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग करने से इंसान की जान तक जा सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, ब्रेनरिग एनिमेशन स्टूडियोज में क्रिएटिव 3D आर्टिस्ट की जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब यहाँ 2 सिचुएशंस आती हैं। यदि आप ऑलरेडी एक क्रिएटिव 3D आर्टिस्ट हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने पोर्टफोलियो, डेमो रील्स और रिज्यूमे इस ऑफिशियल आईडी पे मेल कीजिए। लेकिन यदि आपको 3D एनिमेशन नहीं आता और इस बात का पूरा विश्वास है कि आप एक क्रिएटिव इंडिविजुअल हैं और हाई क्वालिटी 3D एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, तो आप मेरे द्वारा तैयार किए गए मास्टर 3D विद प्रोफेसर प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए और एकदम बिगनर लेवल से शुरुआत करके प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल जैसी 3D वीडियोस बनाना सीखिए। 3D कोर्स की पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी की अभी मैसेज करें। देखो, ये जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, इनके अंदर म्यूकस और सीलिया होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ जर्म्स और डस्ट जैसे हार्मफुल पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जो कि आगे बढ़ने से पहले इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें सीलिया बोला जाता है, ये इन हार्मफुल पार्टिकल्स को हमारी बॉडी से बाहर फेंकने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर स्मोकिंग करते हो तो टोबैको के जलने से आपकी बॉडी में एंटर करने वाला टार और हाइड्रोजन साइनाइड नामक पॉइजनस गैस दोनों मिलके इस सीलिया को पैरालाइज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को डॉक्टर्स सीलियोस्टेसिस बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर फेंके कौन, तो ये जर्म्स और डस्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में रह के उसको चोक करने लगते हैं। और जब अति होने लगती है तो इन जर्म्स और डस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ही तो आप कफिंग करते हो, यानी कि खांसते हो। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति अर्ली मॉर्निंग में कुछ हद से ज्यादा ही खांसता है। उसके पीछे भी साइंस है। सिगरेट स्मोकिंग से डैमेज्ड ये सिलिया रात में रिकवरी करते हैं और सुबह होते ही उन सभी जर्म्स और डस्ट को ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेल करते हैं। इस प्रोसेस में अर्ली मॉर्निंग में एक चेन स्मोकर को हद से ज्यादा खांसी आती है। रेगुलर स्मोकिंग करने से ये सिलिया परमानेंटली डैमेज तक हो जाते हैं और आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स की लाइनिंग बार बार इरिटेट होने की वजह से स्वेल हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एक्सेस म्यूकस भी डेवलप हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्मोकर की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो 2400 घंटे सातों दिन सिर्फ खांसता ही रहेगा। इस बीमारी को ही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। रेगुलर स्मोकिंग की वजह से ये 4000 प्लस डेंजरस केमिकल्स आपके एल्वियोलाई को भी डैमेज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस ब्लड स्ट्रीम में काफी कम ऑक्सीजन जाएगी जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इस बीमारी को ही एम्फिसीमा बोल दिया जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा को कलेक्टिवली डॉक्टर्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD बुलाते हैं। और जो कोई आपके नॉलेज में रेगुलर स्मोकिंग करता हो, जाके उसके मुंह पे बोल देना कि COPD ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई तो रिवर्स नहीं हो सकती और ना ही दुनिया में इसका कोई क्योर है। ऐरी गैरी दवाइयां लेके कुछ दिन तक टाल जरूर सकते हो, लेकिन विद इन अ ईयर उसकी मौत निश्चित है। सिगरेट स्मोक के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करने वाले निकोटीन और अदर केमिकल्स आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और साथ के साथ एंडोथेलियल लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेगुलर स्मोकिंग करने से आपकी इन ब्लड वेसल्स में क्लॉट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लड क्लॉट यानी खून के बहाव का रुक जाना। और अगर आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट तक ऑक्सीजन जाएगी कैसे? सिमिलरली क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऐसे केस में भी इंसान की मौत निश्चित है, क्योंकि हार्ट तक ब्लड ना पहुंच पाना इसे ही तो हार्ट अटैक बोला जाता है और ब्रेन तक ब्लड ना पहुंच पाना इसे ही तो स्ट्रोक बोला जाता है। रेगुलर स्मोकिंग करने से जो हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं वो आपके इस DNA में डेंजरस म्यूटेशंस कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक चेन स्मोकर में लंग कैंसर के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और बैड न्यूज ये है कि स्मोक में पाए जाने वाले आर्सेनिक और निकल जैसे इंग्रेडिएंट्स इस DNA की रिपेयरिंग एबिलिटी को खत्म कर देते हैं। उससे होगा ये कि कल के दिन अगर किसी चेन स्मोकर को कैंसर हो भी गया तो उसकी बॉडी की कैंसर से फाइट करने की एबिलिटी एकदम खत्म हो गई। एट द एंड ऑफ द डे फिर से मौत निश्चित है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिगरेट पीने से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में एंटर करते हैं उनके किस्से सुनोगे तो चौंक जाओगे। सुनाऊं? चलो सुना देता हूं। सबसे पहला है अमोनिया। ये वही सब्सटेंस है जो टॉयलेट क्लीनर्स और फ्लोर क्लीनर्स में यूज होता है। दूसरा है एथेनॉल। ये शराब में यूज किया जाता है। तीसरा है DDT।
ये कीड़ों को मारने वाली दवाइयों में यानी कि इंसेक्टिसाइड्स में यूज किया जाता है। चौथा है अर्सेनिक, ये एंट पॉइजन में यूज किया जाता है। पांचवा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स में पाया जाता है। छठा है कैडमियम, ये कार बैटरी फ्लूइड्स में यूज किया जाता है। सातवा है हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक जहर ही है। आगे मैं गिनाता जाऊंगा, आप गिनते जाओगे, लेकिन ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली। उसकी जगह एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ, हजारों स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स आप नेट पे देख सकते हो जो ये बताती हैं कि इंडिया में एनिमेशन इंडस्ट्री अगले 5 सालों में खतरनाक बूस्ट मारेगी। एक एवरेज स्मोकर होने के नाते आप जितने रुपए एक महीने की सिगरेट में उड़ा दोगे, सिर्फ उतने अमाउंट में 3D एनिमेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। अभी कॉम्पिटिशन काफी कम है, इसलिए यही परफेक्ट टाइम है बाजी मारने का। स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे बात करो, 3D कोर्स की इन्फॉर्मेशन लो, और जो पैसा सिगरेट जैसा जहर पीने में बर्बाद करते हो, उस पैसे से खुद को या अपने छोटे भाई बहनों को 3D कोर्स गिफ्ट करके स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।